हेलो वेलकम बैक एवरीवन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश आउल पे मैं मुस्कान और आज हमारी जो वीडियो होगी वो होगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे अब पुरानी वीडियो में हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें मैं आपको बार बार रेफरेंस दे रही थी कि अगली वीडियो जब आएगी तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी अब आपका सबर का जो आपने इतनी देर से सबर किया वो फाइनली आपको पता चलेगा कि क्या हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है और क्या चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर होगा ज्यादा बेटर समझ आएगा सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हम ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और uh, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एक प्रिंसिपल को हम रियलिटी से जोड़ेंगे रियल लाइफ से जोड़ेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा डेवलप हो सके सो आई होप आपको पिछली वीडियो भी अच्छे से समझ आई होगी और अगर आपको नहीं आई तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया इससे हमें भी समझ आएगा कि कहाँ हमारी जो वीडियो है उसमें प्रॉब्लम है या मोटिवेशन मिलेगी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा सो so, बिना डिले करे लेट स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है जो हमारा विकास है वो एक चलते रहने वाली प्रक्रिया है मतलब कि वूम से टूम तक मतलब जब हम पैदा होते हैं कॉन्सेप्शन से लेकर हमारा जो हमारा जब हम डेथ बेड होते हैं ये पूरे टाइम पीरियड में हम डेवलप करते जाते हैं हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान अपनी ओल्ड एज में डेवलप करना बंद हो जाता है उसका विकास नहीं होता क्योंकि बॉडी का झुलसा आ जाना बुढ़ापा आ जाना बॉडी के फंक्शन कम हो जाना वो भी कहीं ना कहीं अलग फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है डिग्रेडेशन है बट बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी में टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट या विकास हो रहा है डेवलपमेंट इज अंटीन्यूस प्रोसेस एक सारा टाइम चलने वाला प्रोसेस दैट इज ग्रेजुअल क्यूमुलेटिव अब ये जो है आपको इसमें दिख रहा होगा कि जब हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ट्रेकिंग करते हैं तो क्या हम डायरेक्ट चढ़ जाते हैं पीक पे या हम थोड़ा रुक रुक के चढ़ते हैं Obviously, रुक रुक के चलते हैं सो so, पहले हम थोड़ा नीचे लेवल पार करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं फिर रेस्ट करते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं फिर रेस्ट करते हैं सो so, ये जो आ रहे हैं हैं क्यों होता है कि हम लाते हैं। क्योंकि पॉजेज लाने से क्या होगा कि हमारा जो ऊपर जाने का मोटिवेशन है वो बना रहे और हमारी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो सो so, हमारी जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो भी ऐसी होती है जब हम बचपन में हम चलना सीखते हैं तो डायरेक्टली भागना दौड़ना नहीं सीख जाते पहले हम क्रॉल करेंगे पहले हम रेंगेंगे उसके बाद हमारा जो बॉडी होगी वो थोड़ा सा बेंट फॉर्म में हम चलेंगे और जब धीरे धीरे हमारी वो बॉडी का स्ट्रेचर ठीक होगा हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइन मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सूक्ष्म और स्थूल विकास जो होता है फाइन डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट होता है इनकी वजह से हमारा जो बॉडी होगा वो थोड़ा सीधा हो जाएगा और फाइनली हम चल पाएंगे दौड़ पाएंगे भाग पाएंगे जंप कर पाएंगे ये सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे सो so, ये ट्रैकिंग की तरह है हमारी ग्रोथ हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी बिल्कुल ट्रैकिंग की तरह है कि जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं धीरे धीरे सो so, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है एक धीरे होने वाला प्रोसेस है जो कि हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से होता है तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम चलेंगे पहले हम क्रॉल करेंगे रेंगेंगे उसके बाद हम खड़े होंगे एंड फाइनली हम चलना फिरना सीख पाएंगे और पेपर में अगर कभी आ जाए कि हमारा जो चाइल्डहुड है उसका पहला माइलस्टोन क्या होता है पहला माइलस्टोन होता है जब हम चलना सीखते हैं तो बच्चे की सबसे पहली ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कि हमें जो लगता है कि एक माइलस्टोन आ गया कि बच्चे ने कुछ अचीवमेंट कर ली वो है जब वो वॉक करना सीखता है और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने दिया है डेवलपमेंट इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस ये दूसरा प्रिंसिपल है पहला प्रिंसिपल था कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा चलने वाली प्रक्रिया जो कि धीरे होती है ग्रेजुअल होती है स्लो होती है डेवलपमेंट इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है हमेशा बराबर तरीके से नहीं होता ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक से दो साल का बच्चा कितने साल का होगा एक से दो साल का बच्चा ये बच्चा होगा अपनी इन्फेंसी में यानी शैशवावस्था में इतने साल का जो बच्चा होगा उसमें रैपिडली हाइट इंक्रीज होगी आपको देखेगा ये गोदी वाला बच्चा कैसे सीधा बैठकर बैठने लग गया उसके मसल्स का डेवलपमेंट हो गया या उसका बॉडी का जो आकार था वो बढ़ गया पहले अगर वो इतना सा था एक किलो का बच्चा था तो वो कितना बड़ा हो जाता है दो साल आते आते तो उसका हाइट भी इंक्रीज होगा और साथ साथ उसका वजन भी इंक्रीज होगा तीन साल से लेकर प्यूबर्टी तक मतलब कि अडोलिस तक टीन तक हमारा जो स्टडी और स्लोअर ग्रोथ रेट होता है वो बरकरार रहता है मतलब क्यों होता है ऐसा क्योंकि हमारा इस टाइम पे क्या डेवलप हो रहे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इस एज में डेवलप हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल बॉडी है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करती मैं बहुत इस एज में बच्चों को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हाइट में लंबे नहीं होंगे या उनकी ओवरऑल फिजिकल ऑर्गन नहीं आएंगे या कोई पर्टिकुलर चीज डेवलप नहीं होगी जो कि हम बाद में अडोलेसेंस में ऑब्जर्व करते हैं अडोलेस में मतलब जो हमारी किशोरावस्था है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक रैपिड स्पर्ट आता है हाइट में भी और वेट में भी मतलब कि दोनों चीजें

और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं अगर आप इस ग्राफ के थ्रू देखो तो हाइट uh, वेट अगर मैंने यहां पे लिया है कि हमारी हाइट और वेट अलग अलग एजेस के हिसाब से तो अगर आप देखो लगभग दो जीरो से टू इयर्स में बच्चे के अंदर हर साल सोलह सेंटीमीटर की हाइट बढ़ जाती है मतलब हर साल 16 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ रही है लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे 12 साल के आते आते मतलब कि जब ये वाली एज आएगी जिसमें रेट स्लो हो जाता है अब आप देखोगे कि बच्चे की हाइट गिर रही है मतलब कि हर साल खाली छे सात ऐसे ही हाइट ग्रो कर रही है कहा सोलह सेंटीमीटर हाइट ग्रो कर रही थी दो साल में और कहा एकदम उसमें ड्रॉप आता जा रहा है कि अब हर साल खाली चार या पांच सेंटीमीटर हाइट ग्रो कर रही है बट फिर आप देखोगे फिर से अडोलेसेंस में अब ये जो डॉटेड लाइन थी ये गर्ल्स के लिए है गर्ल्स की जो हाइट है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था लड़कों से ज्यादा और लड़कों से पहले हो जाती है तो लड़कियों की जो हाइट है वो कितने साल में ग्यारह से लेकर चौदह साल के बीच में उनकी एकदम से ग्रोथ बॉडीली चेंजेस आपको दिखेंगे तो ये देखोगे पहले स्कूल एज में ग्यारह से बारह या तेरह से चौदह साल की लड़कियां एकदम से ग्रो कर जाएंगी डेवलप कर जाएंगी और उसके बाद लड़कों का टाइम पीरियड आसपास पास पंद्रह तेरह से लेकर पंद्रह साल में उनकी भी डेवलपमेंट हो जाती है और यहाँ पर एकदम से डेवलपमेंट है जैसे आपको पीक्स के थ्रू दिख रहा है सो ये हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होती तो ग्राफ कैसा बनता सीधा कि विद एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी जो हाइट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी मतलब हमेशा बढ़ती ही रहेगी तो एक लीनियर ग्राफ होता लेकिन ऐसा नहीं है ग्राफ ऐसा नहीं है ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है बड़ी फिर कम हुई फिर कांस्टेंट हो गई फिर बढ़ी और फिर कम हुई और ये जो कम हुई मतलब इसका ये नहीं है कि हम ग्रो नहीं करेंगे बट एक टाइम के बाद हमारे अंदर जो एज बढ़ेगा उसके साथ साथ हमारी हाइट ग्रो करनी बंद हो जाएगी मतलब एक टाइम आएगा अडल्टुड में जब हमारी हाइट जितनी है उतनी ही रह जाएगी सो ये पीरियड ये हमारा जो सिस्टम है हाइट का वेट का ये नॉन यूनिफॉर्म चलता है थर्ड प्रिंसिपल कहता है यूनिफॉर्मिटी इन द पैटर्न और द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अब आप इस फोटो में देखिए एक छोटा बच्चा है और वो छोटी बच्ची और उसकी हाइट बड़ी फिर, बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी और फाइनली जब वो एक फीमेल बन जब एक वुमेन बन गई छोटे बच्चे से इन्फेंट से जब वो एक वुमेन बन गई है एल्डरली वुमेन तो उसकी हाइट बढ़ जाती है और यहाँ पर आप लड़कों के केस में भी यही पैटर्न देखते हो और क्या ये इंडिया की ही सिचुएशन है या सारी कंट्रीज की ऐसी सिचुएशन है ये सारी जगह पे है सारी कंट्रीज में ऐसी होता है चाहे वो चाइना हो यूएस हो कोरिया हो तो ऐसा क्यों है क्योंकि एक पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी है और जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग कर रहे हो उस एज ग्रुप में जितनी डेवलपमेंट आपकी होती है दिमाग कैसा डेवलप हो रहा है हाइट कैसी डेवलप हो रही है वेट कैसे डेवलप हो रहा है ये सब यूनिफॉर्म है मतलब अभी मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं है और अब मैं कह रही हूं यूनिफॉर्म है तो मतलब आपकी एज के साथ साथ यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी मतलब एक एज में आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी और एक एज में आपकी कम ग्रोथ होगी लेकिन आपकी जो पैटर्न होगी वो सेम रहेगी फिर चाहे वो कोई कोई भी कंट्री का बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो अगर वो बच्चा जीरो से टू इयर्स का है तो उसमें आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा सो so, इसका ये मतलब है कि एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहेगी थर्ड क्लास और इसमें आपको एक चीज और देखनी है इमोशनल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल ये चारों चीजें हर एक एज के साथ चेंज होंगी मतलब छोटे बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन विद एज अडोलेस के बाद आपकी इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है सिमिलरली सिमिलरलीबनेटिव डेवलपमेंट अगर हम दो बच्चों को दो ग्लास पकड़ा दें एक ग्लास बड़े साइज का हो लेकिन छोटा हो और एक ग्लास लंबा सा हो लेकिन पतला हो तो बच्चा कहेगा लंबे वाले ग्लास में पानी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन बाद में अगर हम उनको डाल के दिखाएंगे कि देखो इन दोनों में सेम क्वांटिटी है तब उनको ये समझ आएगा क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो चुका है सोशल डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो ये डॉलेसेंस में जाकर होता है धीरे धीरे हम सोशलाइज uh, होना शुरू होते हैं पहले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े इंडिपेंडेंट नहीं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और टाइम के साथ साथ वो ग्रुप बनाते हैं अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जिसको हम गैंग एज कहते हैं जो कि बाद में आएगा और फिजिकल डेवलपमेंट जो की आपको दिखा चुकी हूं कि कैसे टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट होती है तो ये सारे हमारे एक ही पैटर्न चलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बच्चे का अभी विकास नहीं हुआ संज्ञान का विकास नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वो अभी उस राइट right एज में नहीं है कि उसका भी इतना विकास हो सकता अब जो हमारी प्रोक्सीमो डिजिटल डेवलपमेंट होगी वो आपको नाम से ही समझ आ रहा है वर्ड से प्रोक्सीमो और डिस्टल तो जो हमारा वर्ड प्रोक्सीमो है वो मतलब होता है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाना तो अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे प्रोक्सीमो डिस्टल आपको पैटर्न दिखेगा हम सेंटर वाले एरिया में पहले डेवलप करते हैं और बाद में पेरीफेरी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि क्यों हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बाद में और पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है इसका रीजन है हमारा जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो प्रोक्सीमो डिस्टल है मतलब पहले आप अंदर से डेवलप करोगे सेंटर से डेवलप करोगे बाद में पेरीफेरी की तरफ तो पहले आपका रिपकेज डेवलप होगा और बाद में आपके हैंड डेवेलप होंगे पहले आपका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा बाद में उंगलियां डेवेलप होंगी पहले हाथ डेवलप होगा फिर उंगलियां आएंगी तो हमेशा पहले सेंटर और फिर बाद में पेरीफेरी डेवलप होती है इसलिए इसका नाम है डिस्टल डेवलपमेंट और प्रोक्सीमोट डेवलपमेंट तो चाइल्ड आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स इसीलिए पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है फिंगर्स एंड टो मसल्स ऐसे ही पैरों में भी यही होता है पहले हमारे पैरों के बड़े वाले मसल्स डेवलप होते हैं और फाइनली हमारी जो हैं है, है डेवलप होती हैं। सो so, यही रीजन है कि हमारा पहले जो ग्रोथ होता है उसका जो पैटर्न है वो क्या होगा पहले ग्रॉस और उसके बाद फाइन और जो हमारा सिफेलो डेवलपमेंट है हमारे ये जो वर्ड है सिफेलो सिफेलो का मतलब होता है हमारा सिर हमारा सर और हेड और कॉर्डल का मतलब होता है हमारा जो बॉडी का जो जो रिमेनिंग पोर्शन है सो so पहले हमारी डेवलपमेंट है अगर हमारी हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो एक लॉन्जिट्यूडनल पैटर्न फॉलो करेगी लंबाई में वर्टिकल में ग्रोथ होगी तो पहले आपका सिर डेवलप होता है और उसके बाद आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स डेवलप होते हैं ये पैटर्न आप बच्चों में देख सकते हो बच्चे अपना सर हिलाना पहला पहले शुरू कर दे चलना फिरना दौड़ना रेंगना बाद में शुरू करते हैं तो पहले अपना हेड का मूवमेंट सीखेंगे अपने हाँ, सर को कंट्रोल करना सीखेंगे उसके बाद बॉडी की बाकी पार्ट्स में डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट ऊपर से नीचे होगी और सेंटर से टुवर्ड्स द पेरीफेरी तो आप यहां से देखोगे सर में पहले डेवलपमेंट हुआ फिर नीचे और फिर इधर और इधर तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी नीचे की तरफ और प्रोक्सीमो में क्या था कि डेवलपमेंट सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रही है आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी समझ आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या क्या करना है क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और कितना डीप में पढ़ना है आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ और प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे सो कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है